ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने कल सब्जी बनाई थी, ठीक है। तो ये कहाँ से गंदी है, ये 20 साल पुराना बर्तन है तो थोड़ा तो काला हो गई। अब इसको मैं ऐसे करती हूँ ना तो ये छाया की वजह से ऐसे दिखती है गंदी। हेलो सर, हम गनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तारा दुदार। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तारा दुदार में। तो कैसे हो आप सब? माँ तारा ने सबको अच्छा रखे, खुश रखे, हैप्पी रखे। तो आज सुबह, हाँ आज ही बना रही हूँ, आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था मशरूम की सब्जी का, तो जिसमें मेरी कढ़ाई को लेके कमेंट आया है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी गंदी कढ़ाई तुम दिखा रहे हो। तो वो कढ़ाई 10-15 साल पुरानी है, गंदी नहीं है, वो हल्की सी ब्लैक है, बट और भी ज़्यादा ब्लैक इस वजह से लग रही है क्योंकि जहाँ गैस है उसके सामने मैं खड़ी हूँ और फिर मैं उधर खाना बना रही, तो पूरी मेरी छाया उस पर है और ऊपर से लाइट नहीं थी तो वो ज़्यादा काला उसमें दिख रहा है। वरना गंदे बर्तन में ना कोई खाता है ना कोई बनाता है। तो अपनी अपना ये ध्यान अपने पास रखो, पुराना है तो बस वो उस वजह से थोड़ा बहुत वैसा है, बाकी ना मैं गंदा धोती हूँ, मुझे पता है कि मुझे कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। तो दादाश्री कम ध्यान दे, बाकी थे जो शब्द लिखे हुए वो थोड़ी समाजना में राग मारे गालना जिन खोलिए, ठीक है हमारे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैंने अमेजोन से ये कुछ मंगाया है पार्सल, तो ट्राइपॉड मंगाया, कैसा है देख लेते हैं। हार्ड ब्लू लग रहा है, ये कुछ इसकी ऐसी पैकिंग है, उल्टे आ रहे हैं नाम इस पर। ये मोबाइल रखने के लिए मेरे पास बड़ा वाला है, रिंग लाइट बड़ी वाली है, छोटा नहीं था तो दिक्कत आता। जैसे अभी मैंने इसको जमीन पे डायरेक्ट रख रखा है तो उस वजह से मैं ओवर ज्यादा आ रही हूँ, सही नहीं आ रहा है। ये इसके ऊपर का है मोबाइल को एडजस्ट करने के लिए, इसमें मोबाइल कैमरा दोनों ही लगते हैं। ये 12 इंच का है, इसकी एक खास चीज है कि आप इसको कैसे भी मोड़ के जिस एंगल से आपको मोबाइल रखना है किसी भी एंगल से ये सेट हो जाएगा। तो अभी मैं इस करने आगे का जो भी वीडियो बनाऊंगी मैं इस पे इसको फिट करके ही बनाने वाली हूँ। ये कुछ ऐसा जैसे किसी एंगल पे भी इसको टंगाना हो ना तो भी इजी रहता है, ऐसे करके आप फोन लटका के इसको टंगा भी सकते हैं। चलो फिलहाल तो मैं इसको सीधा कर देती हूँ, मुझे इतना मरोड़ना तरोड़ना नहीं पड़ेगा इसको। तो ये दोनों किस काम के हैं? ये भी खुलता है यहाँ से, इसको यूज भी करता हूँ। ओह शिट भाई, आज ही आया, आज ही टूट जाएगा क्या? तो हाँ ये मतलब इजी होने के लिए होगा, सही कुछ ऐसे या इसको एकदम फिट करने के लिए। इसको अभी रखते बाद में देखेंगे ये किस काम का है।
अब मैं फोन को इस पर लगा के देखती हूँ ये कैसे क्या है सिस्टम इसका। तो ये मोबाइल ट्राइपॉड पे फिट हो चुका है, अब आगे की वीडियो ऐसी बनेगी, अच्छा लग रहा है। तो मैंने कुछ शॉपिंग की है वो मैं बता देती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लाई हूँ। बच्चों के अब शादी में जा रहे हैं तो कुछ कपड़े लेके आई थी मैं, तो वो मैं दिखा देती हूँ। बताना मेरी चॉइस अच्छी है या गंदी है या कैसी है। एक ये है ऋषि के लिए है, एक ये वाइट में है, एक टी शर्ट में है, ये सब ऋषि के लिए है, एक ये है। एक ये जींस लेके आई थी मैं छोटे के लिए, और एक ये कॉटन में है, उसका कपड़ा अच्छा है। ये तो है ऋषि बना के लिए। और ये बड़े वाले के लिए एक कॉटन की पैंट है ये वाली, अरे ये वाइट नहीं है, हल्का सा इसमें ग्रीनिश टाइप है। इसके ऊपर ये वाली शर्ट है ग्रीन कलर की। और एक ये जींस है बड़े वाले के लिए ग्रे कलर में। इस पे ये शर्ट है, तो ये मतलब आप ये ऐसे भी पहन सकता है, वो कैसे भी पहन सकता है, प्लेन के ऊपर प्रिंट भी पहन सकता है, और ये जींस पे ये वाला भी पहन सकता है। तो ये दोनों शर्ट एक दूसरे पे शेयर होता है। और लड़कों के लिए तो क्या है, वैसे भी उनका इतना कुछ है नहीं, कुछ भी सेट हो जाता है। हमारा रहता सब कुछ मैचिंग करना होता है, कपड़े से चूड़ा मैचिंग करो, ज्वेलरी मैचिंग करो, सब कुछ मैचिंग करो। और लड़कों को इतना ये नहीं है, पैंट अलग है तो शर्ट बिल्कुल उसके ऑब्जेक्ट बनता है, कॉन्ट्रास्ट जैसे बोलते हैं ना कॉन्ट्रास्ट। और ये इसको एक ब्लैक में चाहिए था, उसके दूसरे जींस है तो उसके लिए इसने ब्लैक में लिया है। ये और ये नाइट वेयर के लिए मैं कुछ टी शर्ट लाई थी, तो एक ये टी शर्ट है, एक ये ग्रे कलर का। तो इन दोनों बच्चों के कपड़ों में ही गए हैं काफी पैसे। बाकी भी शादी में घर की बहन बेटियों को देने के लिए कपड़े लाते हैं तो वो भी मैं लेके आई हूँ, तो उनके भी मैं एक दो सूट आपको दिखा देती हूँ कैसे है क्या है, इनको मैं बाद में चेक करती हूँ। एक सूट ये है जिसकी ये पल्ला वाली मॉडल है, एक सूट ऐसा है इसमें इस ऐसे सूट से दो है, एक सूट ये है, कलर लगभग सेम ही है, इसमें उसमें थोड़ा पिंक है, इसमें थोड़ा ऑरेंज टाइप है। और ये इसकी चून भी है, तो ये भी अच्छी है, इसमें अच्छा है बंदेज का काम किया हुआ है और पूरी भरी हुई दो अच्छी और नहीं है फुल है। और एक कलर ये है ग्रीन टाइप, ग्रीन में अंगूरी कलर बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो, पर इन दोनों की कौड़ियाँ सेम है, उस पर इसके दोनों पर सेम है, क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स है वो सेम कलर के आ रहे, पीच कलर के। तो ये थैला सारे वही कलर से भरा हुआ है, उन्हीं में से मैंने आपको एक सूट दिखा दिए। तो अब इनकी पैकिंग करूंगी मैं, तो पैकिंग भी करनी होगी, बाप रे दिखाना एक जी बिखेरा आपको समझ में भारी बनता। अब ये कुछ मेरे सूट है जो मैंने सिलवाने के लिए दिए थे, सही के आ चुके हैं, तो इनको तो क्या दिखाना। ये दोनों लेंगे, इन पे जोड़ मेरे पास पहले से है तो मैंने बस लेंगे लेंगे सिखाए। ये पूरा 4 मीटर का सेम तो सूट है, ये कॉटन जोड़ है ऊपर इसका,
प्लेन में है, डिजाइन बंदेज है, एक ये है। और एक ये बड़ा सा और कॉटन जोड़ ऊपर, और ये पूरा सूट कॉटन का है 4 मीटर। ये प्रमोशन के लिए आया है तो इसको भी पहन के वीडियो बनाएंगे। तो ये कपड़े सिल के आ चुके हैं, अब बस पैकिंग करनी है, फिर जाना है गांव। तो अभी तो ऐसे ही रखूंगी क्योंकि आज ही बैठे करूंगी पैकिंग। ज़्यादा कुछ खास नहीं है वीडियो में, इतना ही है, बाकी का मैं क्या बनाऊँ। तो पैक करके फिर मैं आपको वीडियो